हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज हम बनाएंगे चना दाल फ्राई, जिसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, एक बड़े साइज का प्याज, एक हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का टमाटर, हरा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, और हम दाल बनने के बाद उसमें तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हींग, साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर और घी। आप चाहे तो ऑयल में भी लगा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, पैन को गरम करेंगे, फिर उसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा गरम हो जाए, हमेशा फ्लेम मीडियम पे ही रखें, हाई पे ना रखें। अब ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा जब थोड़ा सा चटकने लगे फिर उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, कुछ सेकेंड के लिए इन दोनों को भून लेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे इसमें, हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे, इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमें ब्राउन करना है, प्याज थोड़ा सा भून जाए तो उसमें हम नमक डालेंगे, नमक डालने से प्याज जल्दी भून जाएगा। नमक डाल के भूनेंगे, प्याज ब्राउन होने लगे फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसे भूनेंगे, जब थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का, उसके बाद हम इसमें चना दाल जो हमने भिगो कर रखा हुआ था उसको डालेंगे। ये हमने भिगो के रखा हुआ था, आप भिगो कर ही बनाएं। इसमें हम चना दाल डालेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जब ये भून जाए फिर इसमें हम सूखे मसाले जो हमने रखे थे वो डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, अब फिर धनिया पाउडर, फिर डाल के फिर थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। जब मसाला मिल जाए इसमें, थोड़ा सा भून जाए, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनेंगे इसको, जब थोड़ा सा टमाटर पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें, देखिए भून चुका है ये, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे, अब गरम मसाला डाल के कुछ सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। अब ये पूरी तरह से भून चुका है, अब हम इसे कुकर में डालकर प्रेशर कुक करेंगे। ध्यान रखें, चने की दाल पकने में टाइम लगती है,
आप चने की दाल जितना लें उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, मीडियम पे 1 सीटी और फिर लो फ्लेम कर देंगे, उस पे 3 से 4 सीटी लगाएंगे। देखिए अब चना दाल फ्राई बन गया है, लेकिन अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। हींग, जीरा और लाल मिर्च पाउडर का हम इसमें तड़का लगाएंगे, फिर हरे धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।